हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, बेचते हो, देन उस पे आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है वो बचाने के सारे तरीके इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और ऐसे यूजफुल वीडियोज के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेजरली जो कवर करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे आपको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है। एंड हम इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा वो बचाने के सारे तरीके एग्जेम्पशन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट टर्म्स है कैपिटल असेट। कैपिटल असेट में इंक्लूड होता है लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ज्वेलरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट्स, व्हीकल एंड मशीनरी। तो ये पूरा ही कैपिटल असेट, दैट मीन्स व्हाट, कि कोई आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लो करके देगा एंड देन यहाँ पे मेजरली कवर होता है अंडर कैपिटल असेट। बट एक एक्सक्लूजन है, वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो एक्सक्लूजन है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट ही नहीं है ये, इसीलिए यहाँ पे एग्जेम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो एंड देन आपको कोई मुनाफा होता है, देन यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की पूरी ही डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कैपिटल असेट जानना इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब भी कोई कैपिटल असेट सेल करते हो, बेचते हो, देन आपको यहाँ पे कोई मुनाफा होता है। यस, अगर आपको मुनाफा होता है देन वो जो मुनाफा हुआ है उसको कहा जाता है कैपिटल गेन्स। ये जो कैपिटल गेन्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म एंड एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वो है जो भी आपका कैपिटल असेट है वो आपने कितने टाइम पे होल्ड किया है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है देन वो डिफाइंड होगा एज अ शॉर्ट टर्म। अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है तो वो डिफाइंड होगा अंडर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ये जो है कैपिटल गेन्स, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि दो टाइप है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये जो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है वो होता है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इमूवेबल असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग चाहे आपकी कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे मेजरली पूरी सारी प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लैंड बिल्डिंग चाहे कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल हो, आपने होल्डिंग पीरियड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा है कि आपने सोल्ड कर दिया है विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, मतलब आपने विद इन 24 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज वेरी इंपॉर्टेंट है, विद इन 24 मंथ में आपने सेल आउट कर दिया है तो टर्म डैश शॉर्ट टर्म। एंड अगर आपने कैपिटल असेट जो है वो सोल्ड करा है आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, यानी कि 24 मंथ होल्ड किया है एंड देन आपने सेल आउट किया है, तो यहाँ पे डिफाइंड होगा एज अ लॉन्ग टर्म। तो वो जो असेट होगी लॉन्ग टर्म, एंड वो लॉन्ग टर्म असेट सेल आउट करने के बाद आपको जो भी कोई मुनाफा होता है तो वो डिफाइंड होगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स लगेगा वो डिफाइन होगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स रेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में एज पर इनकम टैक्स लेबरेट टैक्स यहाँ पे लग जाएगा। मतलब ऐसा है कि आपकी अगर इनकम 20% की ब्रैकेट में फॉल होती है देन 20% लग जाएगा, 30% के ब्रैकेट में आप स्लैब रेट में फॉल होते हो देन यहाँ पे 30% लग जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स है वो यहाँ पे 20% यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, बट यहाँ पे एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा।
इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन मतलब व्हाट कि यहाँ पे जो प्राइस इन्फ्लेशन है उनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देन एग्जेम्पशन टू सेव टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में यहाँ पे एग्जेम्पशन टू सेव टैक्स ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो मेजरली हम कवर करने वाले हैं वही है कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ है उसको बचाने के सारे एग्जेम्पशंस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में ऐसा है कि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, से सपोज उसका सेल्स कंसिडरेशन आपको मिला है ₹50 लाख, एंड जो ये प्रॉपर्टी बेची है उसका कॉस्ट, एंड यहाँ पे जो स्पेसिफिकली लिखा है वो है इंडेक्स कॉस्ट। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म जो है उन पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी बेची है वो लॉन्ग टर्म है, एंड यहाँ पे जो कॉस्ट लिया है वो इंडेक्स कॉस्ट लिया है ₹25 लाख। देन यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स हुआ है ₹25 लाख का। तो यहाँ पे मेजरली ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे टैक्स बचाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में मेजरली हमारा पार्ट रहेगा कि कैसे टैक्स बचाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को। तो हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तीन वेज है, वेज टू सेव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तीन वेज है जो मेजरली बात करता है कि आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, चाहे रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो। तो सेक्शन 54 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 54EC एंड सेक्शन 54F पूरा ही डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पूरा ही क्लैरिटी रहे। यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया उसमें पूरा ही टेबल वाइज किया है ताकि आप यहाँ पे पूरा कंपैरिजन करके यहाँ पे पूरा ही कंक्लूड कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन 54 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 54 में ऐसा है कि यहाँ पे कौन एलिजिबल असेसी है। तो फर्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF यहाँ पे एलिजिबल असेसी है, मतलब इंडिविजुअल या HUF ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है एंड उस पर कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन हुआ है, देन यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाते हैं टू इन्वेस्ट। क्वालिफाइंग असेट है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है एंड उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसमें इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगी, आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो विद इन इंडिया इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही करना है। सिक्स नंबर पॉइंट है आपको कब तक करना है, मतलब आपने प्रॉपर्टी बेची है एंड देन आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। कंडीशन ऐसी है कि आपको परचेस कर लेना है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ऐसा है कि आपने 1 साल पहले भी परचेस कर लिया है तो भी चलेगा, या विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर से आपको यहाँ पे कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, तब यहाँ पे आप एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको परचेज नहीं करना है, बाय नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन करना है विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 साल यहाँ पे आपको मिलेंगे, विद इन 3 ईयर आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेडी कंस्ट्रक्ट करना है, देन यहाँ पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी बता दूं कि आपने परचेस करा है 1 ईयर बिफोर, देन यहाँ पे वो जो परचेस करने के लिए आपने पैसा तो कोई और यूज किया है एंड देन आपने अब प्रॉपर्टी सेल किया है एंड देन आपको वो सेल्स कंसिडरेशन मिला है, तो वो जो सेल्स कंसिडरेशन है ऐसा नहीं कि 1 ईयर बिफोर आपने जो परचेस किया है उसमें मतलब आपने जो सेल आउट करा है वो ही पैसा यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन बिफोर 1 ईयर पहले आपने कोई परचेस कर ली है तो भी यहाँ पे वो क्वालिफाइंग असेट है, मतलब यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। देन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम ये जो न्यू प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करा है वो 3 साल के लिए होल्ड करना ही है, 3 साल का यहाँ पे होल्डिंग पीरियड है।
एक्सेम्पशन यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, आपने जो भी कैपिटल गेन्स हुआ है और आपने ऐसा लोअर ऑफ है इसमें तीनों में से कुछ कम जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे एक्सेम्पशन मिल जाएगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आपने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, ये भी हम अभी लास्ट में देखते हैं, इसमें तीनों में से आपको लोअर जो एग्जेम्पशन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है कि टाइम लिमिट है फॉर डिपॉजिट इन कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। यहाँ पे ऐसा है कि विद इन 2 ईयर या मतलब आपने 1 साल पहले या विद इन 2 ईयर में आपने कोई मतलब अभी कोई नियर बाय फ्यूचर का आपका कोई इंटेंशन नहीं है टू बाय रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देन आप यहाँ पे आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में आप डिपॉजिट करके, डिपॉजिट कब तक करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है एंड सेम आपको यहाँ पे एक्सेम्पशन मिल जाएगा। आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ भी हो सकता है। किस कंडीशन में विड्रॉ हो सकता है कि आपने जो भी डिपॉजिट किया है टू कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में एंड वो पैसा आपने यूटिलाइज नहीं किया है फॉर अ प्रिस्क्राइब टाइम, टाइम लिमिट है उसमें नहीं प्रिस्क्राइब यूज नहीं किया है, और ऐसा भी है कि आपने विद इन 3 ईयर में हमने देखा कि 3 ईयर होल्डिंग पीरियड है बट आपने विद इन 3 ईयर में हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दी, देन यहाँ पे आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा एंड वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा एंड रिस्पेक्टिव उन पे जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उसके हिसाब से टैक्स आपको भरना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है होल्डिंग पीरियड, एंड अगर आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करते हो तो वहां पे भी पूरी कंडीशन को कंप्लाई करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 54, हमने पूरा ही देखा कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट की है एंड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट करना है। देन अभी डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 54EC, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एलिजिबल असेसी है, कोई भी यहाँ पे असेसी ने सेल आउट किया है, क्वालिफाइंग असेट है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, चाहे रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल। यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना है मतलब जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹50 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिमिट दी गई है ₹50 लाख की। किसमें इन्वेस्ट करना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स या एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे ₹50 लाख तक का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। टाइम लिमिट है यहाँ पे इन्वेस्ट करने की विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग और बोथ, विद इन 6 मंथ में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना है। जो लॉकिंग पीरियड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर के लिए यहाँ पे आपको बॉन्ड जो है उसको होल्ड करना है। जो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा वो है कि आपने जो भी अमाउंट कैपिटल गेन हुआ है वो या फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड और ₹50 लाख, यानी कि यहाँ पे इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट है उतना आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है टाइम लिमिट जो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में 54EC में एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे भी विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन है कि आपने बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया विद इन अ 5 ईयर या कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड विद इन अ 5 ईयर कर दिया तो यहाँ पे पूरा ही आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 54EC फॉर दोज असेसी, यहाँ पे असेसी मतलब एनी टाइप है, यानी कि कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी असेसी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं टू क्लेम एग्जेम्पशन अपनी लैंड और बिल्डिंग बोथ अगर सेल आउट किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, देन यहाँ पे ₹50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इन स्पेसिफाइड बॉन्ड में, तो यहाँ पे वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट वन बात करते हैं सेक्शन 54F। ऑलमोस्ट ये जो सेक्शन 54 है एफ है वो 54 में सिमिलैरिटी बहुत ही ज्यादा आपको मिलने वाली है। जो 54F है आप पूरा यहाँ पे ये पूरा कंपैरिजन भी कर पाओगे, बहुत ही मतलब ये टेबल वाइज प्रेजेंटेशन है जो आपको बहुत काम आएगा। तो सेक्शन 54F है यहाँ पे जो एलिजिबल असेसी है वो है इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे भी इंडिविजुअल एंड HUFE एलिजिबल है। क्वालिफाइंग असेट वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल असेट है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, मतलब
54F में रेसिडेंशियल हाउस कवर होता है, बट 54F में अदर देन रेसिडेंशियल हाउस यानी कि शेयर, बॉन्ड, प्लॉट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी यहाँ पे कवर होता है क्वालिफाइंग असेट में। एंड उसमें आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो इन्वेस्ट करना है, वो यहाँ पे खास ध्यान रखना है कंप्लीट सेल्स अमाउंट यानी कि नेट सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बट यहाँ पे सेल्स अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, मतलब जो भी अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको सेल आउट किया है, एंड आपको जो इन्वेस्ट करना है वो है इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 6, किस टाइम लिमिट में आपको इन्वेस्ट करना है, वो सेम ही कंडीशन है ऑफ 54 में, जो कंडीशन है वही है कि आपको परचेस कर लेना है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, और अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेना है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा अगर यहाँ पे आपने नेट कंसिडरेशन है और फुल अमाउंट इन अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया है, तो एंटायर जो अभी आपका कैपिटल गेन है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर पार्शल किया है देन यहाँ पे पार्शल इन प्रोपोर्शनेट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जेम्प्शन मिल जाएगा। सेम कंडीशन 9 नंबर की है कि यहाँ पे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में भी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से पहले आपको इन्वेस्ट कर लेना है। और विड्रोअल एग्जेम्पशन भी सेम है कि अगर आपने कोई सेकंड हाउस बाय किया, मतलब यहाँ पे ऐसा है 54F में आपको ये भी एक ध्यान में रखना है कि आपने जब भी इस मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यहाँ पे ऐसा है कि अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल आउट किया है एंड देन आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी है एंड ये आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरी हो रही है, तो यहाँ पे 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है। बट अगर आप सेकेंड हाउस यानी थर्ड वन बाय कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जेम्पशन आपका विड्रॉ हो जाएगा। एंड सेम कंडीशन है कि आपने जो डिपॉजिट अमाउंट करा है वो यूटिलाइज नहीं किया है या विद इन 3 ईयर में आपने ये ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ पे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल आउट किया है एंड इन्वेस्ट करा है इन रेसिडेंशियल हाउस, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो एप्लीकेबल होने वाली है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, वो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी नया जो असेट है वो बाय कर रहे हो उसकी कॉस्ट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नॉट मोर देन 10 करोड़, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट शेल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इज 10 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन, और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है असेसमेंट ईयर 24-25 से यहाँ पे 10 करोड़ का ही यहाँ पे एग्जेम्पशन कंसिडरेशन को कंसिडर किया जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया ये जो तीनों एग्जेम्पशंस है सेक्शन 54, 54EC एंड 54F, तीनों का कंडीशंस, क्वालिफाइंग असेट क्या है, एलिजिबल असेसेस कौन है, कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा, आपको कोई ना कोई नॉलेजेबल कंटेंट मिला है, देन आप ये वीडियो को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना कोई ऐसा कैपिटल गेन्स हुआ है तो वो भी ऐसे तरीके से सेव कर सके। तो अगर आपको कोई भी इस वीडियो से कोई ना क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका कोई भी सजेशंस है देन जरूर आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।